डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद बरकत। उम्मीद है आपको बेटा अपने लास्ट जो फिजिक्स का टॉपिक हमने पढ़ा है उसकी समझ आई होगी, और इसी अपलेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ वर्नियर कैलिपर्स। ये वर्नियर कैलिपर्स क्या चीज़ है? वर्नियर कैलिपर्स लेंथ को मेजर करने का एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम पढ़ चुके हैं कि हम एक मीटर रूल की मदद से 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट से वास्ता पड़ता है, ऐसे ऑब्जेक्ट से वास्ता पड़ता है जिनकी लेंथ बहुत शॉर्ट होती है। सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ये एक सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, ये कोई बीकर हो सकता है, एक सॉलिड हमारे पास बॉल हो सकता है जिसका हम डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं। सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जो मेजरमेंट होती है, लेंथ को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स जो है, अगर हम देखें तो पायरी वर्नियर एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 1631 में इस वर्नियर कैलिपर्स को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया। वर्नियर कैलिपर्स क्या है? वी से वर्नियर कैलिपर्स इज सच अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ एज 1/10 मिलीमीटर, टू विच वी कैन राइट इट 0.1 मिलीमीटर और 1/100 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर एक्यूरेटली। मींस वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप मिलीमीटर के 10वें हिस्से या सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक की एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर बेटा हम वर्नियर कैलिपर्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स की जो डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रा की है बेटा, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, और वर्नियर कैलिपर जो है ये कम्प्लीटली मेटल का बना होता है। ये स्टील का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, किसी भी मेटल का हो सकता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इसका फिक्स्ड होता है जो कि एक स्केल टाइप है, दिस वन इज कॉल्ड इट्स फिक्स्ड पार्ट, और इस फिक्स्ड पार्ट के ऊपर सेंटीमीटर्स के मार्क्स लगे होते हैं, राउंड अबाउट 12 सेंटीमीटर तक इस पर मार्क्स लगे होते हैं, और ये जो स्केल है दैट इज कॉल्ड एज मेन स्केल, और इस मेन स्केल के ऊपर सेंटीमीटर के मार्क्स या निशानात बेटा लगे होते हैं। एक इसका पार्ट इसके ऊपर मूव करता है, ये जो इसका सेकेंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड इट्स मूवेबल पार्ट, और ये मूवेबल पार्ट या इसको वर्नियर पार्ट भी कहा जाता है। इस वर्नियर पार्ट के ऊपर 0 से लेकर 9 तक 10 टोटल डिवीजन्स होती हैं। इसके ऊपर टोटल कितनी डिवीजन्स हैं? 10, और ये जो स्केल है दैट इज कॉल्ड इट्स वर्नियर स्केल, और इसके ऊपर 0 to 9 टोटल 10 मार्क्स लगे होते हैं, एंड ईच मार्क ईच डिवीजन इज ऑफ 0.9 मिलीमीटर। ओके, देयर विल बी 2 स्केल्स, 1 इज मेन स्केल एंड अदर इज वर्नियर स्केल। इस मेन और वर्नियर स्केल के अलावा इसके दोनों पार्ट्स पर 2 आपको ऊपर यूं इसके जबड़े नजर आएंगे, जाज नजर आएंगे, दे आर कॉल्ड अपर जाज, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड अपर जा और अपर जा। ये जो दोनों अपर जाज होते हैं ये किस लिए होते हैं? टू मेजर इंटरनल डायामीटर। किसी भी आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, कोई बीकर है, आप उसका इंटरनल डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये अपर जाज यूज किए जाते हैं। इसी तरह इसके नीचे 2 बड़े इसके जाज होंगे, जा बेटा हम जबड़े को कहते हैं, इसके 2 नीचे जबड़े होंगे, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और वो ऑब्जेक्ट जिसकी आपने लेंथ फाइंड करनी होती है
उसको इसके दोनों जाज, जो बड़े जाज हैं जिनको आप लोअर जाज कहते हैं, उनके दरमियान उस ऑब्जेक्ट को एडजस्ट कर दिया जाता है. लेट वी हैव दिस सॉलिड सिलेंडर, हम जिसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हैं. जब बेटा हम बात करते हैं कि ये मिनिमम 1/10 millimeter तक मेजरमेंट कर सकता है, इट मींस उस रीडिंग को, उस मेजरमेंट को आप इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कहेंगे, जिसको डिफाइन हम कुछ इस तरह से कहेंगे, मिनिमम मेजरमेंट विच कैन बी मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर्स. दैट मिनिमम मेजरमेंट जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, दैट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट. सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स दैट विल बी इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल. कि मेन स्केल ये जो आपके पास है मेन स्केल, इसके ऊपर एक स्मॉल डिवीजन कितनी होगी ओवर टोटल डिवीजंस ऑन वर्नियर स्केल. देन ये जो दो हमारे पास जो सेंटीमीटर के मार्क्स हैं, इनमें से दो मार्क्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड 1 millimeter. एंड टोटल डिवीजंस ऑन वर्नियर स्केल दे आर 10. सो 1 millimeter over 10, दैट विल बी 0.1 millimeter और 0.01 centimeter. इट मींस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 millimeter या 0.01 centimeter होता है. स्टूडेंट्स, इस वर्नियर कैलिपर्स को आप यूज कैसे करते हैं? तो स्टूडेंट्स, किसी भी जब डिवाइस को आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर एरर के चांस होते हैं, जिसकी वजह से जब भी आप उससे रीडिंग लेंगे, जब भी मेजरमेंट लेंगे, वो आपकी रॉन्ग रीडिंग आएगी. सो वर्नियर कैलिपर्स भी एक इंस्ट्रूमेंट है तो जिसमें एरर के बेटा चांस हो सकते हैं. सो वर्नियर कैलिपर्स को यूज करने से पहले आप इसकी एरर को चेक करते हैं कि इस डिवाइस में, इस आले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उस एरर को आप साइंटिफिकली जीरो एरर बोला जाता है. जीरो एरर क्या चीज है? इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज नॉट कंसाइडिंग इन एम्प्टी स्टेट, के खाली हालत में आपने किसी ऑब्जेक्ट को नहीं लगाया, आप इसके यूं लीवर को रोटेट करते हुए दोनों जाज को ज्वाइन करते हैं, अगर ये वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो एक दूसरे पर कॉन्साइड कर जाते हैं, देन देयर विल बी नो जीरो एरर. अगर ये कॉन्साइड नहीं करते, दे आर नॉट कॉन्साइडिंग, देन इसके अंदर जीरो एरर होगा. और ये जीरो एरर दो टाइप का होता है बेटा, वन इज पॉजिटिव जीरो एरर एंड अदर इज नेगेटिव जीरो एरर. पॉजिटिव जीरो एरर कब है? अगर मेन स्केल का जीरो इस वर्नियर स्केल के जीरो से क्रॉस कर जाए, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को दोनों जबड़ों के दरमियान नहीं लगाया, देन ऐसी जीरो एरर को पॉजिटिव जीरो एरर कहा जाता है. और अगर मेन स्केल का जो जीरो है वो वर्नियर स्केल की जीरो से पीछे रह जाता है, जैसे यहां ड्रा किया गया है, देन दिस जीरो एरर विल बी नेगेटिव. स्टूडेंट्स, पॉजिटिव जीरो एरर जितनी भी हो उसको हमेशा हम ऑब्जर्व रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और नेगेटिव जीरो एरर को ऑब्जर्व रीडिंग में ऐड करके एक्यूरेट रीडिंग जो है वो इस वर्नियर कैलिपर से आप ले सकते हैं. लेट्स सी, वी हैव अ सॉलिड सिलेंडर, हम जिसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, हम इसको इसके दोनों इन जबड़ों के दरमियान में एडजस्ट करते हैं, जैसे यहां पर एडजस्ट किया गया है सॉलिड सिलेंडर. आइए हम इससे रीडिंग कैसे लेंगे. इट्स लेंथ विल बी, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला, एक मेथड है बेटा, मेन स्केल रीडिंग. मींस कि ये जो मेन स्केल है इस पर क्या रीडिंग उस वक्त होगी, कितने नंबर्स, कितने सेंटीमीटर्स, कितने मिलीमीटर्स वर्नियर स्केल की जीरो को क्रॉस कर चुके होंगे, दैट विल बी मेन स्केल रीडिंग. प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये जो आपका वर्नियर स्केल है जिस पर 0 to 9 तक 10 टोटल मार्क्स होंगे, कौन सा नंबर मेन स्केल के किसी नंबर से कॉन्साइड कर रहा है 0 to 9, आप उसको नोट करेंगे और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल की रीडिंग में उसको प्लस कर देंगे. लेट्स सी, हमारे पास ये सिलेंडर, हमने इसमें लगाया, हम इसकी रीडिंग लेना चाहते हैं, इसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हैं. देखिए यहां पर इसके अकॉर्डिंग अगर आप मेन स्केल की रीडिंग को नोट करें
तो यहां से 0-1 यहां तक है जी, ये 2 सेंटीमीटर आगे पास कर चुके हैं, और 2 के साथ क्या जी 2.1 2.2 2.2 मेन स्केल की बेटा आपकी रीडिंग होगी, जिसको आप यहां पर लिखेंगे दैट इज 2.2 सेंटीमीटर, क्योंकि मेन स्केल पर सेंटीमीटर के मार्क्स लगे हुए हैं। प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे, 0 to 9 तक कोई एक मार्क मेन स्केल की किसी एक नंबर के सामने होगा, लेट्स इसमें 6 नंबर जो है दैट इज गोइंग टू कॉन्साइड द मार्क ऑफ मेन स्केल रीडिंग, सो वर्नियर स्केल की रीडिंग दैट विल बी 6, सो यू विल राइट 6 × 0.01 सेंटीमीटर, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम 2.2 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2.26 सेंटीमीटर, दैट विल बी कॉल्ड एक्यूरेट रीडिंग विच इज टेकन विद द हेल्प ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर्स, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर, जिसको हमने इसके दोनों जार्स के अंदर एडजस्ट किया है। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से वर्नियर कैलिपर्स की समझ आई होगी, किसी भी किस्म का अगर आप प्रॉब्लम फील करते हैं इस टॉपिक के दौरान तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वॉइस मैसेज भेजकर आप मेरे साथ इस प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।